नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और अब 12 दिसंबर को अंतिम चरण का मतदान है, यानी कि 11वें चरण का मतदान है। इस बार पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में हुए और ऐसे में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड में भी पंचायत चुनाव होने हैं। तो बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत के वार्ड संख्या 6 में अगर बात करें तो वहाँ से भावी उम्मीदवार लाडली बेगम हैं और लाडली बेगम के पति निवेदक आजम भाई से खास बातचीत की है हमारे मधुबनी से सहयोगी ने। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, जीत के क्या कुछ दावे किए हैं, इसके लिए इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए। नमस्कार, मैं सिराज सारहीन, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और डीटीवी भारत अभी बेनीपट्टी प्रखंड के करहरा पंचायत में क्षेत्र संख्या 6 में है और यहां पर लाडली बेगम का जो रैली है आज निवेदक हैं आजम भाई और उनसे खास बातचीत करेंगे। जो उनकी चर्चा है अभी के फील्ड में चल रही है, पंचायत में चल रही है, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या और किन विजन को लेकर अपने लोगों के पास जा रहे हैं, वोटरों के पास जा रहे हैं। इनके पास अब समय 2 दिन का बचा है, 29 को इलेक्शन है और यहाँ क्या होगा ये सब बात पूछते हैं इनसे। एक आजम भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद आजम हुसैन हुआ। हम आपके चैनल का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे चुनाव के लिए हमारी रैली में आप आए। भैया, हमारे पंचायत का नाम कहरा हुआ जो 06 है। हमारा ये एक अति पिछड़ा पंचायत है। हमारी मूलभूत समस्याएं जो थी पंचायत की, जो हम लोगों के मुखिया जी ने 20 साल में पूरा नहीं कर पाए। हम एक समाज के बेटा हैं, हम कोई नेता नहीं है, एक सेवक के रूप में हम आए हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। बिल्कुल, हम इस आपके चैनल के माध्यम से अपने जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, समस्याओं में सबसे सर्वप्रथम है रोड। हमारे पंचायत में रोड नहीं है, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं। आज अगर समस्या कुछ हो जाती है, 6 महीना बाढ़ में यहाँ डूबा रहता है, नाव से लोगों को ले जाना पड़ता है। इस बहुत बार ऐसा हुआ जो इस क्रम में यहाँ के लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, चिकित्सा केंद्र तक पहुँच नहीं पाते हैं। बच्चा शिक्षा का व्यवस्था इतना नीचे गिर गया है कि शिक्षा टीचर जाते जरूर है लेकिन पढ़ाने उड़ाने का जो समस्या है, मुखिया जी सबको फ़ोन कीजिए, उन लोगों ने आज तक इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। हम यही चाहेंगे, हर घर में पानी लगा हुआ है, नाला नहीं है, सुविधा नहीं है, जिससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। हम लोग ये जिस तरह से आपके साथ युवा का जोश है और इस बार लगभग हर प्रखंड में युवा जिस तरह से लोगों के साथ होते हैं, चुनाव जीतने का चांस उतना बढ़ जाता है और आपके साथ युवा हैं और युवा के साथ आप चल रहे लगे लगता है इस बार आपकी हवा फील्ड में काफ़ी अच्छी दिख रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हम नहीं है, एक आजम नहीं है, इस पंचायत में 1000 आजम है जो इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं पंचायत को बदलना है और हर हाल में जो पंचायती राज का सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्या लगता है जब जिस तरह से आप फील्ड में जा रहे हैं, आपका क्षेत्र लंबा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में काफ़ी अच्छी दिख रही है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हम नहीं है, एक आजम नहीं है, इस पंचायत में 1000 आजम है जो इस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं पंचायत को बदलना है और हर हाल में जो पंचायती राज का सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। क्या लगता है जब जिस तरह से आप फील्ड में जा रहे हैं, आपका क्षेत्र लंबा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपको समय भी ज़्यादा मिला है चुनाव आयोग की तरफ से इस प्रखंड को? नहीं, समय सही मिला है। जिस तरह से आपने अपने वोटर को जिस तरह से बात की है, क्या लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि 1 महीना में वोटर को ठीक करना नहीं होता, जनता का प्यार नहीं जीतना होता है। मेन है 5 साल हम लोग सेवक बन के काम किए हैं, कोरोना काल से समय से करते आ रहे हैं, इसलिए जनता का एकदम अपार भीड़ हमारे साथ है। ये सब वोट है, हमारा प्यार है, मोहब्बत है, आप देख लीजिए खुद भी, और इंशाल्लाह इस बार हम लोग जीत के आएंगे, एक पंचायत की शक्ल बदलेंगे। ये आजम साहब खान साहब जो क्या रैली करने जा रहे हैं और जिस तरह से इनके साथ जन समर्थक है और भीड़ लगी हुई है ये लोग, और आज इनका 29 तारीख को इलेक्शन है, जिस तरह से लोग हैं, क्या लगता है इस बार आजम आएगा? जी हाँ बिल्कुल, क्या लग रहा है इस बार निकले हुए हैं, इनका पूरा जन सैलाब इनके साथ है और सबसे बड़ी चीज़ की इस पंचायत की जो युवा है ना, जो अभी युवा, वो इनके साथ है।
क्लियर है, हम लोग जीत की ओर अग्रसर है। लगातार बदलाव हो रहा है, हर पंचायत में बदलाव हो रहा है। लगता है इस बार आपकी भी पंचायत में बदलाव होगी। बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हम भी अगर काम नहीं करेंगे तो जनता हमको भी बदल देगा। इसलिए एकदम निश्चित है, हमारे मुखिया जी सब काम यहाँ नहीं किए, इसलिए निश्चित है कि बदलाव होगा। बदलाव की गाड़ी चल चुकी है, काट की गाड़ी, हर तरफ बदलाव हुआ है। और इंशाल्लाह ताला इस बार हमारे करहरा पंचायत में भी बदलाव होगा और आजम हुसैन विजय पाएंगे। ये आजम खान आजम साहब हैं जो लाडली बेगम के निवेदक हैं, और कठी छाप है इनका और 11 क्रम संख्या पर है, और ये करहरा पंचायत से क्षेत्र संख्या 6 है। लगातार बेड़ी पट्टी से इनकी जो मेहनत है, उस मेहनत पे लोगों का मोहर लगता है कि नहीं, ये 29 तारीख को देखने को मिलेगा। मैं आपको एक व्यक्ति हैं जो तिरंगा के साथ भी यहाँ पे इनके साथ लगा, क्या नंदलाल यादव हम हैं। अच्छा, आप भी, ये नंदलाल यादव है और ये समर्थक में हैं, क्या लगता है इस बार? इस बार पूरी उम्मीद है हमारा, हमारे भाई का जीत रहेगा। पक्का? पक्का, यादव होके बोल रहा हूँ, कच्चा नहीं बोल रहा हूँ। ये इनके मेरा ये इनके ये तिरंगा के साथ हैं और ये इनका ये दावा है कि इस बार आजम भाई यहाँ से जीत रहे हैं। लगातार समर्थक है, लगा भीड़ भी है, लेकिन यहाँ रास्ता जाम होने की वजह से। मैं सरसाहीन, आप देख रहे हैं DTV भारत।